प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच एंकर सुधीर चौधरी ने हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से करते हुए एक ट्वीट भी किया है, जिस पर लोगों ने कई कमेंट भी किए हैं। एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण उतना ही शानदार था जितना बॉक्स ऑफिस पर पठान फिल्म ने कमाल किया है। जिस तरह से शाहरुख खान ने फिल्म के जरिए बायकॉट पठान करने वालों को जवाब दिया है, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने भी विपक्ष के बायकॉट के गैंग को चुन चुन कर जवाब दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह पठान ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है, वैसे ही पीएम मोदी का भाषण करोड़ों लोगों की वोट खींचने की क्षमता रखता है। जैसे शाहरुख खान ने अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है, उसी तरह मोदी ने अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ जितने भी नकारात्मक प्रचार किए जाते हैं वह उतने ही तेजी से उभर कर सामने आते हैं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।